ओम शांति। बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा कार्य भी दिया है और टाइटल भी दिया है, तुम हो मास्टर सुखकर्ता दुखहर्ता। तुम्हें दूसरों के दुख हरने हैं, आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को दुखों से मुक्त करना होगा। और एक बहुत ही बड़ी बात कह दी, जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर नहीं जा सकोगे। तो जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है किसी की बीमारी ठीक करना, हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि हम दूसरों के दुख हरते चले। संसार में दुखों की बाढ़ आई हुई है और ये दुख दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भगवान वाच, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं संसार में, क्योंकि विनाश का खेल प्रारंभ होगा। सभी को उनके कर्मों की सजा मिलेगी और वो सजा मनुष्य को बहुत पीड़ित करेगी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी, संबंध और संपर्कों में भी। तो हम अपने को सुखों के खजाने से इतना भरें कि हम दूसरों के दुख हर्ता बन जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम लंबा काल दुख से मुक्त रहें। सूक्ष्म लहर भी दुख की हमें स्पर्श न करे। दुख और सुख जीवन में आते हैं, ये ज्ञात होते हुए भी कि ये दुख है, हम दुखी न हों। हम साक्षी भाव अपना लें, दुख में भी सुख की फीलिंग में रहें। इसका अर्थ है कितना भी दुख हो, चाहे शारीरिक बीमारियां हों, लेकिन हम अशरीरी होकर रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें, इस अनुभव में रहें कि वो हमारे साथ है। हमारा बाप ही दुख करता सुख करता है, तो एक आंतरिक सुख की फीलिंग रहेगी और वो दुख बहुत कम हो जाएगा। हम स्वयं में दूसरी बात, ईश्वरीय सुख भरें। जब हमारे अंदर सुखों का खजाना भरपूर होगा तो जिस पर भी हम नजर डालेंगे उसके दुख समाप्त होते जाएंगे। हमारे बोल दूसरों के लिए सुखदायी बन जाएंगे। हम संकल्पों से ही वाइब्रेशंस देकर दूसरों के दुख हर सकेंगे। तो हम लंबा काल तक अपने अंदर सुखों के खजाने भरें। सवेरे सवेरे हमें बहुत सुख मिलता है। देखिए, आंख खुलती है और प्रभु मिलन होता है। आंख खुलती है और हम योग अभ्यास करते हैं, हम उठते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, हम उठते ही हैं उससे सर्व खजाने लेने के लिए। बहुत सुख मिलता है सवेरे सवेरे, जितना जितना हम आत्मभिमानी होकर बैठते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, हमें सुख बहुत ज्यादा अनुभव में आता है। ये सुख का खजाना हमारे अंदर भरता जाता है। दूसरा, हम अपना सुख बढ़ाएं मुरली से। मुरली माना भगवान हमसे बातें करता है, वो हमसे रूरिहान करता है। मुरली माना बाबा हमें अनेक स्मृतियां दिलाता है, हमारे सुखों के दिनों की याद दिलाता है और याद दिलाता है तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ये सुखों का खजाना हम बढ़ाते चलें सारा दिन पुण्य कर्म करके, दूसरों को सुख देकर, यज्ञ सेवा करके हम ये सुखों की पूंजी अपने में भरते चलें। तो जितनी जितनी ये पूंजी हम भरेंगे उतना ही हम दूसरों को बांट सकेंगे। तो आज सारा दिन ईश्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ, और सारे संसार को वाइब्रेशंस देंगे हर घंटे में एक बार, इस संकल्प से कि सभी के दुख समाप्त हो जाएं। विधि यही, ग्लोब के ऊपर हम हैं,
सर्व शक्तिवान पर बुद्धि स्थिर है, उसकी शक्तियों की किरणें हम में आ रही हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं, और ये शक्तियों की किरणें सभी के दुख हर रही हैं। बस ये अभ्यास हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।